हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग हिमालय को पढ़ेंगे। तो हिमालय जो है भारत के उत्तर में है और ये इसकी जो लंबाई है बहुत ही ज़्यादा है, 2500 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई है और इसकी चौड़ाई तो कहीं कहीं 900 किलोमीटर है और कहीं कहीं 600 किलोमीटर है। इसकी जो चौड़ाई सबसे ज़्यादा आपका यहाँ पे है, जम्मू कश्मीर के तरफ है। और अगर आप पीछे जाइएगा तो सबसे पहले एक जियोलॉजी का बात है, ये सबसे बड़ा एक बड़ा सा भाग था, उसको क्या कहते थे, पेंजिया। ये एक बड़ा सा भाग था और ऊपर में था अंगारा लैंड और यहाँ पे था आपका गोंडवाना लैंड और बीच में था सागर, टेथिस सागर। ऊपर वाला भाग अंगारा लैंड, नीचे वाला भाग गोंडवाना लैंड और ये जो पूरा भाग है उसको पेंजिया कहा जाता है। ये जियोलॉजी में आप पढ़ेंगे। और एक समय ये जो जहाँ पर हिमालय पर्वत है वहाँ पे सागर हुआ करता था, ये टेथिस सागर था आज से 11,000 करोड़ वर्ष पहले। तो ये गोंडवाना लैंड है, इसको ढकेल ढकेल करके कहाँ पे पहुँचा देता है, यहाँ पे पहुँचाता है। इसमें जितने भी कूड़े कचरे थे, पत्थर थे, मिट्टी थी, वो एक पर्वत का रूप धारण कर लेते हैं और हिमालय का निर्माण हो जाता है। ऐसे तो आपका ये जो टेथिस सागर है उससे पहले हमारा हिमालय का ये ट्रांस हिमालय बन चुका था। ये जो ट्रांस हिमालय है ये आपका उससे जो पहले का बना हुआ था। जब टेथिस सागर में मछलियाँ तैर रही थी उस समय ये ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति हो चुकी थी। यानी सबसे, अगर हिमालय का पुराना पूछा जाए कि सबसे प्राचीनतम हिमालय, मतलब हिमालय की श्रृंखला में कौन है, तो ये ट्रांस हिमालय सबसे है, पुराना है। और इस प्रकार इसको हम लोग देखते हैं और इसकी लंबाई तो 2500 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा 900 किलोमीटर और कहीं कहीं इसकी चौड़ाई 600 किलोमीटर है। अब हम लोग हिमालय का विभाजन को देखते हैं। अगर पढ़ने के लिए देखा जाए तो हिमालय को विभाजन करके पढ़ा जाए, बहुत से विद्वानों ने बहुत सारे मतलब इसको विभाजित किया है, समय समय पर हम उसका भी अध्ययन करते रहेंगे। ऐसे हिमालय को दो तरह से बाँटा जाता है, श्रेणीवार, उसको भौतिक विभाजन भी कहते हैं, और एक होता है नदियों के आधार पर जिसे प्रादेशिक विभाजन भी कहते हैं। अगर नदियों के आधार पर देखें तो ये जो पूर्ववर्ती नदियाँ थी जो हिमालय को पार करके आती है उसको हम लोग पूर्ववर्ती नदियाँ कहते हैं। वो इस जगह पे इस तरफ से यहाँ से निकलती है, ये तिब्बत का क्षेत्र है, मानसरोवर झील है, राक्षस ताल वहाँ पे है, वहीं से बड़ी बड़ी नदियाँ निकलती है, जैसे सिंधु हुआ, सतलज हुआ, ब्रह्मपुत्र हुआ, ये सब नदियाँ वो हिमालय को पार करके आती है, इसलिए उसको पूर्ववर्ती नदियाँ कहते हैं, एंटीसिडेंट रिवर। तो ये जो नदियाँ हैं ये पार करके आती है और ये नदियाँ जो है हिमालय के बनने से बहुत पहले से बहते आ रही है, हिमालय बनने से पहले से आ रही है और इसलिए इसको पूर्ववर्ती नदियाँ कहते हैं, हिमालय को पार करके आ रही है। और यहाँ पर बहुत सारे ग्लेशियर हैं, कैलाश है, आपका राक्षस ताल है, मानसरोवर, वहाँ से ये लोग का निकलती है ये नदियाँ। तो अगर सबसे पहले नदियों के आधार पर इसका विभाजन किया जाए तो ये जो पंजाब हिमालय सबसे पहले आता है उसको कश्मीर हिमालय भी कहते हैं। ये दो नदियों के बीच से बहती है, सिंधु और सतलज। अगर उसको देखा जाए तो ये जो नदी है यहाँ से मान लीजिए बह रही है, ये इस तरह से बहते हुए आती है, ये सिंधु नदी है और इस बीच में सतलज नदी है, ये आपका सिंधु नदी हुई और ये सतलज नदी है, ये पाकिस्तान की ओर में चली जाती है दोनों। और ये जो हिमालय है उसको बोलते हैं पंजाब हिमालय, इसको कश्मीर हिमालय भी कहा जाता है। अब पंजाब हिमालय किन नदियों के बीच में बहती है, सिंधु
और सतलज के बीच में, और उसके बाद आती है कुमायू हिमालय। वो जो कुमायू हिमालय है आपका, ये सतलज और काली नदी के बीच में का क्षेत्र है, ये कुमायू हिमालय है। कुमायू हिमालय है ये, विशेषकर यूके उत्तराखंड में ये कुमायू हिमालय है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी है। अब ये इसके बाद आता है ये आपका, ये नेपाल क्षेत्र है, क्योंकि ये भारत में नहीं है फिर भी इसका हम लोग अध्ययन करते हैं। ये काली से तीस्ता नदी के बीच में है, काली से तीस्ता नदी। तो ये जो कुमायू हिमालय है ये कहाँ से है? सतलज से, सतलज और काली नदी के बीच में है। नेपाली नेपाल हिमालय आपका काली नदी से तीस्ता नदी के बीच में है। अब इस तरफ से ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। अब तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में असम हिमालय है। ये तो नेपाल हिमालय हो गया, नेपाल हिमालय, और ये असम हिमालय हो गया। असम हिमालय कहाँ से कहाँ? तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी तक, और ब्रह्मपुत्र से बंगाल की खाड़ी तक ये जो पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। तो इस प्रकार नदियों के आधार पर हम इसे पांच वर्गों में बांटते हैं। पांच वर्गों में सबसे पहले जो पंजाब हिमालय, फिर कुमायू हिमालय, फिर नेपाल हिमालय, असम हिमालय, और ये पूर्वांचल हो गया। पूर्वांचल आपका ब्रह्मपुत्र से बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी तक होती है। और अब हम श्रेणीवार विभाजन अगर करते हैं तो सबसे पहले ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस जो हिमालय है ये सबसे पुराना हिमालय है। ये जो हिमालय जो बनी है, उत्पत्ति हुई है, उससे बहुत पहले से ही है। महान हिमालय अब पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ से बहुत पहले वो बन चुकी थी। आपका ये 13,000 करोड़ वर्ष पहले बन चुकी थी। ऐसे तो आपका जो पठार है, आपका पारद्वीपीय पठार है, उससे भी पुराना है, लेकिन ये ट्रांस हिमालय 13,000 करोड़ वर्ष पहले खड़ी थी। और जब ये सब महान हिमालय पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ नहीं बनी थी, तो ये ट्रांस हिमालय हुआ। ये आपका ट्रांस हिमालय के तीन पार्ट हैं। सबसे पहला है कारा कोरम श्रेणी, फिर उसी में लद्दाख श्रेणी, फिर चास्कर श्रेणी, और एक पीर पंजाल भी बोलता है। लेकिन इसका जो पत्थर है उसमें नवीनता पाई गई है, ये जो पत्थर है इसका, इसलिए कुछ विद्वान इसको यहाँ नहीं मानते हैं। तो इसको हम लोग देख लिए, ट्रांस हिमालय के कितने भाग हैं? आपका तीन भाग है, आपका काराकोरम, फिर लद्दाख श्रेणी, चास्कर श्रेणी। के काराकोरम, लद्दाख और चास्कर और पीर पंजाल, कलेजा पार, याद रखिए कलेजा पार ट्रांस हिमालय का क्षेत्र हो गया। उसके बाद कौन सा आता है? आपका महान हिमालय। ये महान हिमालय ये इस तरह हो जाता है, महान हिमालय, महान हिमालय में भी तीन भाग है। महान हिमालय के तीन भाग है, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक। ग्रेट हिमालय, महान हिमालय और ये शिवालिक, ये मध्य हिमालय हो गया, मध्य हिमालय और ये शिवालिक हो गया। और ये महान हिमालय, या फिर इसको बोलिए आप महान हिमालय बोलिए, महान हिमालय। तो इस प्रकार
ये इतना ही है इसमें। जो ट्रांस हिमालय है वो काराकोरम, लद्दाख, झास्कर, पीर, पंजाल। तो अब इसकी ऊंचाई के आधार पर अगर आप इसको डिस्कस करते हैं तो इसमें क्या होता है कि सबसे ऊंचा इसमें कौन है, ये महान हिमालय, ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय। और जहाँ पर दुनिया के जितने भी पर्वत शिखर है, तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि पहला कौन था, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के विषय में हमने देखा, फिर महान हिमालय, फिर मध्य हिमालय, फिर शिवालिक। ये हो गया। अगर ऊंचाई की दृष्टि से देखिएगा तो ये 6000 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है, और इसका 6100 मीटर, और इसका 3000 मीटर है। शिवालिक तो कहीं है, कहीं टूटा फटा है, मतलब रेगुलर नहीं है। इसमें रेगुलर ये है महान हिमालय और मध्य हिमालय भी लगभग है। तो इसका ऊंचाई कितना हो गया, औसत ट्रांस का 6 किलोमीटर हो गया, और इसका महान का 6.1 किलोमीटर, और मध्य का 3000 मीटर। और ये दोनों जगह जो है काफ़ी ऊंचा है, ये कहाँ है, काफ़ी ऊंचा है, काफ़ी ऊंचा है। तो यहाँ हमेशा बर्फ़ से आच्छादित रहती है, और यहाँ पर जब बर्फ़ है तो वनस्पति का अभाव है, वनस्पति का अभाव है, बर्फ जमा रहता है। और दूसरा, यहाँ जानवर नहीं पाए जाते हैं, जानवर तो पाया जाएगा ही नहीं। और यहाँ पे जितनी भी ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं यहीं पे है, जितनी भी ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं यहीं पे है। नंगा पर्वत हो गया, माउंट एवरेस्ट हो गया, इस महान हिमालय में ही पड़ेगा। और मध्य हिमालय जो हो गया, इसकी औसत ऊंचाई 3000 मीटर है, ये पर्यटक स्थल है, पर्यटक स्थल। यहीं पे रानी खेत बहुत ही फेमस है, कुल्लू मनाली, कुल्लू मनाली, मसूरी, ये सारे जो घूमने फिरने वाला जगह यहीं पे है। अब जो शिवालिक है, और यहाँ पे वैसा कुछ नहीं, यहाँ पे वनस्पति बहुत ज़्यादा पाई जाती है, वनस्पति पाई जाती है, समझ जाइए शुरुआत चढ़ने का जगह है। अब ये जो ट्रांस हिमालय है, इसको पार हिमालय भी कहते हैं। ये पीठ हो गया, अगर हम खड़े हैं तो ये जो मेरा पीठ हुआ, ये ट्रांस हिमालय हुआ, आपको इस तरफ से नहीं दिखेगा। तो इस तरह जैसे हो गया, तो सबसे पहले शिवालिक चढ़ने का क्रम में, उसके बाद मध्य हो गया, और उसके बाद ये जो चीज़ हो गया, ये कहाँ हो गया, महान हिमालय, और इस जो नीचे हो गया वो ट्रांस हिमालय, जो हमको दिखाई नहीं देता, वो पीठ हो गया, समझिए पीछे है। और ऊंचाई की दृष्टि से अगर देखिएगा तो संसार की ऊंची ऊंची जो चोटियां हैं उसकी औसत ऊंचाई कितनी है, यहाँ पर 6 किलोमीटर में जिनके दम टूट जाती है, जैसे एकांका गुआ साउथ अमेरिका का, उसका भी ऊंचाई हमारा जो ये हिमालय पर्वतमाला है उसके बराबर नहीं है। किलिमंजारो अफ्रीका का, और रॉकी पर्वतमाला का अल्बर्ट हो गया, ये सारे जो ऊंची ऊंची पर्वतमालाएं हैं उनकी जो श्रेणियां हैं ये सब 6 किलोमीटर में सिमट जाते हैं, यानी 6000 मीटर में सिमट जाती है, वहाँ हमारा जो हिमालय है उसकी औसत ऊंचाई है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि जो जितने भी हिमालय के भाग हैं, चाहे वो ट्रांस हिमालय हो, चाहे वो महान हिमालय हो, मध्य हिमालय हो, शिवालिक हो और पूर्वांचल हो, सबका अपना अपना कुछ विशेषता है। कहीं कोई घूमने वाले जगह है तो कहीं वनस्पतियाँ नहीं पाई जाती है, तो कहीं जानवर नहीं पाए जाते हैं, कोई मतलब अलग अलग है। तो अगर इसका हम लोग फिगर के माध्यम से अगर स्टडी करें तो
इस प्रकार हम फिगर बना सकते हैं। ये हो गया आपका, ये तीन आप कर दीजिए, ये हो गया काराकोरम, काराकोरम, ये लद्दाख, ये जास्कर, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। अब फिर यहाँ पे महान हिमालय, इसको हिमाद्री भी कहते हैं, ग्रेट हिमालय भी कहते हैं। उसके बाद मध्य हिमालय, मध्य हिमालय हो गया। उसके बाद ये शिवालिक हो गया, शिवालिक हो गया। उसके बाद मैदान हो गया, और इसके बाद वे पठार हो गया। यही तो भारत का समीकरण है। अगर उत्तर से देखा जाए, उत्तर से दक्षिण, तो सबसे पहले उत्तर से अगर हिमालय के रेंजों को हम देखें, तो सबसे पहले काराकोरम, लद्दाख, जास्कर हो गया। उसके बाद महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हो गया, मैदान हो गया, उसके बाद पठार। यही तो भारत का समीकरण है। अब ये जो हमारा हिमालय है, इसको हम लोग चार भागों में बांटे हैं। ये ट्रांस हिमालय हो गया, ये महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हो गया। इसको बांटने का भी तरीका है, ये इसमें बहुत सारे भ्रंश पाए गए हैं, दरारें पाई गई है, फाल्टें पाई गई है, जिसके कारण इसे हम विभाजित करते हैं। तो यहाँ पे जो पहला फाल्ट है इस जगह से, इसको हम लोग बोलते हैं आई टी एस जेड। और यहाँ से यहाँ तक इन दोनों के बीच में भी एक फॉल्ट है, इसको बोलते हैं एम सी टी। और मध्य और शिवालिक के बीच में जो फॉल्ट है, इसको बोलते हैं MBF। और इसमें जो फॉल्ट है, इसको कहते हैं HFF। और ये आपका जो आई टी एस जेड है, ये किसके किसके बीच में है? ये आपका ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में एक जो फॉल्ट है, दरारे है, जिसके आधार पर हम उसको विभाजित करते हैं कि ये महान हिमालय है और ये ट्रांस हिमालय। उसको क्या बोलते हैं दरारे का फॉल्ट को? आई टी एस जेड, इंडो पाक इंडो सांगपो सचर जोन। ये जो फॉल्ट है, ये कौन कौन सा हिमालय को के बीच में है? ये ट्रांस हिमालय और महान हिमालय। और MCT जो फॉल्ट है, ये किनके बीच में है? ये महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच है। ये मेन सेंट्रल थ्रस्ट ये हो गया। और उसके बाद यहाँ पे जो है MCT हो चुका है। अब MBF ये जो फॉल्ट है, ये किसके बीच में है? मध्य हिमालय और शिवालिक को जो अलग करता है जो फॉल्ट, उसको क्या बोलते हैं? MBF, मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट। और फिर यहाँ HFF, ये हो गया हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। ये चार के आधार पर हम हिमालय को विभाजित करते हैं कि ये ट्रांस। तो इस प्रकार बहुत सारे फॉल्ट हैं जिसके आधार पर हम कहते हैं कि ये ट्रांस हिमालय है, ये आपका महान हिमालय है, और सारे जो हिमालय है उसके विषय में हम लोग जानते हैं। और अब हम लोग इसको जो सबसे पहले ट्रांस हिमालय के विषय में अध्ययन करना है, तो सबसे पहले हम लोग उसको हम लोग मैपिंग के आधार पर समझेंगे। तो ट्रांस हिमालय पढ़ने के लिए हमें सिर्फ ये जो जम्मू कश्मीर का जो साइड है उसको जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये किन किन
केंद्र शासित प्रदेशों में है और कौन से राज्य में है, ये जो ट्रांस हिमालय है किन किन यूनियन टेरिटरी में है और क्या। तो इससे यहाँ से यहाँ समझ जाइए क्या है, ये आपका यहाँ से यहाँ तक जम्मू एंड कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर, और इस तरफ आपका हिमाचल प्रदेश और इधर पंजाब। पंजाब का ज़रूरत नहीं है, आपका सिर्फ तीन ही जगह जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख क्षेत्र का ज़रूरत है, शीत मरुस्थल जिसे कहते हैं। ये तीन टेरिटरी से ही हमारा ये ट्रांस हिमालय, जिसे पार हिमालय कहते हैं, इसका विस्तार वहीं पे है। तो सबसे पहले इतना जानने के बाद एक और चीज़ है, यहाँ पे एक पामीर का पठार है। क्या है यहाँ पे? एक गांठ है जिसको पामीर का पठार कहते हैं, पामीर का पठार, जिसे विश्व का छत कहा जाता है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। ये ऐसा जगह है जहाँ सभी पर्वत का मिलन स्थल है, और यहाँ पर जो प्लेट थी वो इधर में दबाव दिया, जिसके कारण ये भाग बहुत ही उड़ गया, इस कारण इसे क्या कहते हैं, विश्व का छत। तो यहाँ से बहुत सारे पर्वतें निकली हैं, एक इस तरफ जो निकला है ये चला गया है चाइना के तरफ, चीन के तरफ। तो ये जो पर्वत है कुनलुन है, ये कुनलुन है, ये कुनलुन है, और एक अफगानिस्तान के तरफ इधर चला गया है, ये है हिंदुकुश, हिंदुकुश, और एक पाकिस्तान के तरफ आ गया है, ये है सुलेमान, सुलेमान। इसका आगे का और विस्तार आपका किरथर के रूप में है, किरथर श्रेणी के रूप में है, और यहीं से हमारा ये यहाँ पे काराकोरम श्रेणी हो गया, काराकोरम श्रेणी, और यहाँ पे लद्दाख श्रेणी हो गया, ये लद्दाख श्रेणी, और यहाँ से चास्कर, ये हो गया चास्कर श्रेणी। तो मैप के सहायता से हम लोगों ने देखा, यानी ट्रांस हिमालय के मुख्यतः तीन भाग हैं, कौन कौन है, पहला है काराकोरम, दूसरा है लद्दाख श्रेणी, और तीसरा है चास्कर श्रेणी, और एक पीर पंजाल भी है, लेकिन इसे नहीं मानते हैं क्योंकि इसका पत्थर नया है, अब बाकी जितना है इसका पत्थर बहुत ही पुराना है। ऐसे तो ट्रांस हिमालय जो हिमालय में सबसे प्राचीन है, और इसका जो निर्माण हुआ है आज से 13 करोड़ वर्ष पहले हुआ है। और आपका याद करने का तरीका कलेजा पार, ये भी आप याद कर सकते हैं, और भी कुछ कुछ चीज़ है यहाँ पे। एक अब पीओके बारे पहले जानिए, तो इस जगह से ये पीओके है, ये क्या है, पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर, और यहाँ पर ये है अक्साई चीन, ये क्या है, अक्साई चीन, यहाँ चाइना का अधिकार है, 1962 के युद्ध के बाद यहाँ पे अधिकार हो गया है। तो ये है LOC, और ये है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और इधर पाकिस्तान का अधिकार है। अब इस जगह में हो गया गिलगित, गिलगित, और ये हो गया बाल्टिस्तान, बाल्टिस्तान, अभी इसमें कश्मीर का
पाकिस्तान का अधिकार है, और एक यहाँ पे घाटी है, यहाँ पे एक घाटी है इस जगह में, इस घाटी को कहते हैं सक्सकम घाटी। ये कौन सा घाटी है? सक्सकम घाटी, ये आपका सक्सकम घाटी। 1962 के युद्ध के बाद में ये जो सक्सकम घाटी है, ये एग्रीमेंट के तहत में पाकिस्तान किसे दे दिया है? चाइना को। यानी चाइना के अधिकार में दो क्षेत्र हुए, ये आपका ये क्षेत्र अक्साई चीन और ये सक्सकम घाटी, इसको एग्रीमेंट के तहत दिया गया है, और इसको 1963 में दिया गया है। 5180 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, ये सामरिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण जगह है। और इस प्रकार हम लोगों ने मैप के आधार पर देखा कि ट्रांस हिमालय किन क्षेत्रों में है, किन किन यूनियन टेरिटरी में है। तो इसमें दो चीज़ आती है, सबसे पहला है जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और एक प्रदेश आता है वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में बहुत ही हल्का सा जास्कर श्रेणी आता है, और इस प्रकार इसके तीन श्रेणी हुए, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। और ये काफ़ी ऊंचा है, इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर यानी 6 किलोमीटर। और यहाँ पे लगभग पहला जो है, यहाँ वनस्पति का अभाव है, वनस्पति का अभाव है, जानवर भी कम पाए जाते हैं। पहला, और सबसे बड़ा बात है जो लद्दाख है, ये एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी जो है सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से, और सबसे कम आबादी वाला भी है, और इसकी राजधानी तो लेह है। अब इस प्रकार यहाँ पे एक रोड डेवलप किया गया है जिसको NH1D, ये रोड मैं एक बार देख गया था तो देखा था, इसे लेह मनाली मार्ग भी कहा जाता है। ये अमरनाथ यात्रा के दौरान में जब उस तरफ से उतरा था तो ये बहुत छोटी छोटी गाड़ियाँ दिख रही थी। तो इसका विस्तार किस प्रकार है, तो इस प्रकार मान लीजिए कि यहाँ से ये रोड चलता है और इस तरफ ऐसे आता है। सबसे पहले यहाँ आता है जम्मू, जम्मू काफ़ी नीचे है इस तरफ, जम्मू, उसके बाद श्रीनगर आता है, श्रीनगर, और फिर मोड़ है, फिर द्रास आता है, कारगिल आता है, फिर आपका लेह आता है। तो ये जो NH1D लेह मनाली मार्ग, नेशनल हाईवे 1, तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा। तो ये ट्रांस हिमालय के तीन मुख्य श्रेणी है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। और ये पामीर गांठ के विषय में भी हम लोगों ने देखा कि चाइना की तरफ कुनलून चला जाता है, पाकिस्तान में भी इसकी एक रेंज है सुलेमान, और उसके आगे किरथर है, और इस प्रकार हम लोगों ने देखा। तो अब हम लोग बारी बारी से अध्ययन करेंगे कि ट्रांस हिमालय क्या है। तो सबसे पहला चीज़ है कि ट्रांस हिमालय जो है में शीत कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, यहाँ की जलवायु कैसी है? शीत कटिबंधीय है, इसलिए वर्ष भर यहाँ बर्फ से ये ढके रहती है और बर्फ से आच्छादित रहती है ट्रांस हिमालय। तो फिर वनस्पति का भी अभाव है, जानवर भी नहीं पाए जाते हैं। और निर्माण इसका कब हुआ था? 13 से 14 करोड़ वर्ष पहले हुआ था।
और अगर मिट्टी पत्थर देखिएगा तो ये सबसे अलग है, बनावट के हिसाब से सबसे अलग है, ये बनावट के हिसाब से सभी हिमालय से अलग है, बनावट के हिसाब से सभी बनावट के हिसाब से ये अलग है। और लद्दाख को शीत मरुस्थल है, लद्दाख एक शीत मरुस्थल है और यहाँ सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है, यह सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है। और द्रास, लद्दाख की राजधानी लेह है, और द्रास जो है सबसे ठंडा जगह है भारत का, और द्रास भारत का सबसे ठंडा स्थान है शीत मरुस्थल के साथ। और ये जो है लरेशिया का भाग है और ट्रांस हिमालय लरेशिया का भाग माना जाता है। ये महत्वपूर्ण बातें हैं, यहाँ पे कैसी जलवायु है, शीत कटिबंधीय जलवायु है, यहाँ मतलब वर्ष भर ठंडा रहता है, मौसम बहुत ही ठंडा रहता है, मतलब -55 डिग्री तक चला जाता है, 45 डिग्री 50s, यानी यहाँ पर जो फाइजर वैक्सीन के लिए कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा फ्रीज का, यहाँ ले के घूमिए आराम से देते रहिए, क्योंकि जो फाइजर वैक्सीन है उसको कितना तापमान मतलब न्यूनतम चाहिए, -55, तो यहाँ पे आराम से वो काम कर सकता है। और जब बर्फ़ से आच्छादित है जो जगह तो वहाँ वनस्पति का सवाल ही नहीं होता है। और इसका निर्माण ये सबसे पुराना हिमालय में सबसे पुराना है, जब महान हिमालय जो जब उत्पत्ति हुई थी उससे पहले से ये वहाँ पे खड़ा था, जहाँ पर जब टेथिस सागर था उस समय से ही। तो इसका निर्माण कब हुआ, 13 से 14 करोड़ वर्ष पहले हुआ था, और बनावट के हिसाब से सबसे अलग है, वहाँ जो भी पत्थरें पाए गई है वो काफ़ी पुरानी है। और लद्दाख एक शीत मरुस्थल है, यहाँ सबसे कम वर्षा प्राप्त होता है, सबसे कम वर्षा प्राप्त होता है। और द्रास भारत का सबसे ठंडा स्थान है, ट्रांस हिमालय लरेशिया का भाग माना जाता है। इस प्रकार हम लोगों ने देखा, और अब हम लोग बारी बारी से जो काराकोरम श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी है, ये सब के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। अब हम लोग चलते हैं काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी। तो काराकोरम श्रेणी ये जो है भारत की सबसे उत्तरतम श्रेणी है, भारत की सबसे उत्तरतम श्रेणी। अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे उत्तरतम श्रेणी कौन है, तो ये काराकोरम है। इसके उत्तर में सक्षम घाटी है, और इससे पहले मैंने बताया यह पामीर के गांठ से जुड़ा है ना, इसको ऊंच एशिया का की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। इस प्रकार भारत का सबसे उत्तरतम श्रेणी है, और इसके उत्तर में सक्षम घाटी है, और यह पामीर के गांठ से भी जुड़ा हुआ है।
इतना जानना है। और इसमें जो शिखर सब है, पर्वत शिखर, इसको विशेष नाम से किया जाता है, K1, K2, K3, K4, इस प्रकार नाम दिया जाता है। तो K1 है, अब जो K2 है वो सबसे महत्वपूर्ण है, और K4 भी, तो ज़्यादा पर्वते तो नहीं है शिखर, लेकिन यहाँ K2 और K4 इस जगह में, K2 गाडविन आस्टिन इसको कहा जाता है, गाडविन आस्टिन, इसकी जो ऊंचाई है 8611 मीटर। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, भारत की सबसे उच्चतम चोटी, भारत की सबसे उच्चतम चोटी और दुनिया की दूसरी ऊंची चोटी है, विश्व की सेकेंड ऊंच चोटी है। और K4 जो हो गया, ये कैसर ब्रूम है इसका नाम, कैसर ब्रूम है, इसकी ऊंचाई 8000 मीटर है, और यहाँ ऊंचाई बहुत अधिक है, जिस कारण वहाँ पे हमेशा बर्फ है, ग्लेशियर भी है वहाँ पे। तो हिमनद, यहाँ पे कौन कौन सा हिमनद, तो हिस्पर एक हिमनद है यहाँ पे, और बातुरा हिमनद ग्लेशियर, ये दो हिमनद काफ़ी है, हिस्पर और बातुरा। हिस्पर बहुत ही फेमस है, वहाँ एक घाटी है जिसको हंजा घाटी कहते हैं, हंजा घाटी, इसको हैजा घाटी भी कहा जाता है, हैजा घाटी भी कहा जाता है। तो यहाँ पर एक नदी भी बहती है, स्योक नदी, स्योक नदी यहाँ बहती है, जो सिंधु की सहायक नदी है। ये जो स्योक नदी है, ये काराकोरम और लद्दाख श्रेणी के बीच में बहती है, स्योक नदी, याद रखना है। अब इसके बाद हम लोग किस चीज़ पर चर्चा करेंगे, लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, ये जो लद्दाख श्रेणी है, काराकोरम का दक्षिणतम विस्तार है, काराकोरम का दक्षिणतम विस्तार, और ये इसका लद्दाख श्रेणी का दक्षिणतम विस्तार कौन सा हो गया, कैलाश श्रेणी हो गया। तो काराकोरम के पास से ये चालू होती है, काराकोरम का दक्षिणतम हिस्सा लद्दाख श्रेणी हो गया, और लद्दाख श्रेणी का दक्षिणतम हिस्सा कौन हो गया आपका, वो कैलाश श्रेणी हो गया। और जो लद्दाख है, इसके विषय में आप जानते ही हैं, भारत का सबसे बड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित यूनियन टेरिटरी है, और इतना जानना है। और इस यहाँ पे अब क्या क्या देखना है, लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी जो है यहाँ पे सर्वोच्च चोटी क्या हो गया, राकापोसी, और जो इसकी ढाल है, विश्व की सबसे खड़ी ढाल मानी जाती है राकापोसी को, या राकापोसी ढाल, या विश्व की सबसे खड़ी ढाल मानी, खड़ी ढाल वाली चोटी है, कौन सा, राकापोसी इसका सबसे ऊंचा चोटी है, और यहाँ पर ये इसकी जो ढाल है, विश्व की सबसे खड़ी ढाल है, और इसमें जो ग्लेशियर है, हिमनद बहुत सारा है, उसमें सबसे पहले वातुरा है, हिस्पर है, सियाचिन है, हिस्पर सियाचिन जो है सबसे महत्वपूर्ण है, बाल टोरा है। तो इसमें जो सियाचिन ग्लेशियर है,
ये दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, सियाचिन, सियाचिन हिमनद, जो है भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है और दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। इससे ज़्यादा ऊंचाई में कोई भी युद्ध क्षेत्र नहीं है। इस प्रकार हम लोगों ने देखा काराकोरम श्रेणी और लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी और चास्कर श्रेणी के बीच से एक नदी बहती है जो सिंधु नदी है। सिंधु नदी इसके बीच से बहती है, तो ये लद्दाख श्रेणी हो गया और ये जास्कर श्रेणी, यहाँ से सिंधु नदी बहती है। लद्दाख श्रेणी है ये और ये जास्कर श्रेणी के बीच से ही सिंधु नदी बहती है। तो जास्कर श्रेणी के मुख्य बातें कौन कौन सी है? जास्कर जो श्रेणी है वहाँ से एक नदी बहती है, उसका नाम है जास्कर। तो जास्कर श्रेणी में एक नदी जास्कर नदी निकलती है। ये किसकी सहायक नदी है? सिंधु की सहायक नदी है, जो लेह के आगे सिंधु नदी में मिल जाती है, जो लेह के आगे सिंधु नदी में मिल जाती है। और मुख्य बातें हैं द्रास और कारगिल। द्रास और कारगिल जास्कर श्रेणी में स्थित है। इसके पूर्वी भाग को, और एक बात महत्वपूर्ण है, इसकी पूर्वी भाग को रूपसू कहा जाता है। रूपसू कहा जाता है जास्कर के पूर्वी भाग को, रूपसू कहा जाता है। ये गिलगिट बालूचिस्तान होते के आगे दियोसोई तक है। ये इसका विस्तार गिलगिट बालूचिस्तान के आगे दियोसोई तक है, इसका विस्तार है। तो ये महान हिमालय के अंतर्गत आता है, लेकिन इसको जास्कर श्रेणी को क्या चीज़ में माना जाता है? ट्रांस हिमालय माना जाता है। वास्तव में ये महान हिमालय के अंतर्गत ही आता है, लेकिन ये महान हिमालय से कहाँ से कटता है? लिख देता हूँ मैं, जास्कर श्रेणी महान हिमालय की शाखा मानी जाती है, लेकिन इसे ट्रांस हिमालय में रखा जाता है। महान हिमालय से 18 डिग्री, महान हिमालय से 18 नहीं 80 डिग्री, 80 डिग्री पूर्वी देशांतर से अलग होती है। इसका उच्च शिखर कौन है? नुनकुन 7135 मीटर। इस प्रकार आज हम लोगों ने ट्रांस हिमालय के विषय में बहुत ही विस्तार से अध्ययन किया। अब अगले क्लास में हम लोग महान हिमालय को कवर करेंगे, महान हिमालय और मिडिल हिमालय उसके अंतर्गत आता है और शिवालिक आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।